पिंजरी पे आगे है, वो सामने बाबर बैठा हुआ है कोने में। रख ला मी, आजा चल, आजा आजा, कांड दे हाथ रख लिया। पिंजरी थी और ये शिप्रा हमने पकड़ा है, काफी अच्छे साइज। शिकरे को पिंजरी दी थी, शिकरा इधर ऊपर बैठा हुआ था इस दरख्त पे। ये छोटा सा बिल्कुल आपको रोड के सेंटर में नजर आ रही है, जिसे कवे मार रहे हैं, आके डोज करा रहे हैं। पिंजरी पे आगे है, वो सामने बाबर बैठा हुआ है कोने में। बस अभी थोड़ा सा ये भिड़ ले इसके साथ, इसे जब खींचना शुरू करेगा ना पिंजरी को, तब हम जाके पकड़ेंगे इसे। तसल्ली कर लें, जल्दी नहीं करते इस काम में। कंड पे हाथ रख लमी, कंड पे हाथ रख लमी। ये शिकरा पकड़ा गया, तकरीबन हमने 15 मिनट वेट किया है और ये बाबर अब जा रहा है। फड़ ला कंड पे हाथ रख लमी, आजा चल, आजा आजा, कंड पे हाथ रख ला, कालां दी कंड पे हाथ रख, तेनू हुण मैं चल। क्या बात है, हाँ बोजम, बोजम के तरी नाग। लंगा दो बटेरा जीने। ये देखें जी, ये शिकरा हमने पकड़ा, इसकी छाती दिखाओ शाह जी। बोधो मैं कि तरी ना आ गया, ये तो उस्ताद इब्राहिम ही दसन गए तरी ना आ गया। लंगा खोल ले, हम इसकी ये डोरियाँ खोल लें फिर आपको दिखाते हैं। ये जी पिंजरी थी और ये शिकरा हमने पकड़ा है, काफ़ी अच्छे साइज़ का है, लेकिन है ये अडल्ट, हमारे काम का नहीं है, तो हम इसे इधर ही आज़ाद करेंगे। टेल के पंख कितने? 12 हैं पूरे, ताकि हम ये अगले साल या इसी साल जब इनका सीज़न आता है ये ब्रीड करें और बच्चे दे और हमें चूज शिकरे मिले, इनके बच्चे जो हमारे काम के होते हैं। ये पिंजरी है, पिंजरी पे भी डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तो हम इधर से आए हैं अपने शहर से, हवेली लखा से, इधर से हम निकले हैं, तो सिटी थी हमारे पास। आज बैठे बैठे हमें ख्याल आया, मैंने इसको कहा कि यार कोई ना शिकरा वगैरह की ट्राई करते हैं। ये कहता हमारे पास कुछ चीज़ तो है नहीं, पिंजरी पड़ी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, वहाँ से एक फार्मी बटेरा ले लेते, बड़ी मुश्किल से हमें बटेरा मिला, बटेरा भी बहुत मुश्किल से मिला। तो फिर इधर आए हम और वो सिटी वगैरह हम कॉलिंग करते गए हैं। ये लोकेशन हमारे पास पहले ही थी, वो जो टर्न है, टर्न दिखाएं, वो नहर वाला, ये टर्न है नहर वाला, उधर जाके दमा हुआ, यहाँ पे गाड़ी आ रही है, उस जगह दमा हुआ है। दमा होता है जब ये शिकारी परिंदा आता है या उड़ता है, शिकार के लिए आता है, तो ये जो परिंदे हैं कवे और मैना लालियाँ वगैरह, ये शोर करना शुरू कर देती हैं और उड़ती है, तो दमा हुआ है। तो हमारी नज़र पड़ी है इस पर, ये उधर से इसने टर्न लिया, मुड़ा है और इस दरख्त पे आके बैठ गया, ये जो दरख्त है। फिर हमने इस जगह इसको पिंजरी दी थी और वहाँ मैं बैठा था दूर, इस जगह पिंजरी दी। ये पिछले 15 मिनट से हम इसका वेट कर रहे थे, 15 मिनट हमारी कॉल चलती रही है, हम एक दूसरे से बात कर रहे थे। मैं उस जगह था, वो एंड पे कोने पे, बाबर इधर था, तो बस अल्लाह ने कामयाबी दी और हमने ये पकड़ लिया। बाकी है ये अडल्ट, तो इसे हम अभी यहीं पे आज़ाद करेंगे। हमने तकरीबन पिछले सीज़न में हमने इधर जोड़ा देखा था, शायद यही हो इसका, इसकी क्या कहते हैं मेल, पता नहीं किधर है, वो हमें नज़र नहीं आया। तो अभी इसे हम आज़ाद करेंगे ताकि ये ब्रीड करे और हमें अपने बच्चे दे, चूज़ बच्चे, जिस दिन का हमें कुछ फ़ायदा भी है, फिर वो इंशाल्लाह पकड़ेंगे। इसके एरो दिखा देंगे मेरे भाई, ये देखिए, ये साथ कहते हैं, ये निशानी होती है, काट रहा है, कोई नहीं इतना मसला। जो ये कलर चेंज हो जाता है जब चूज़ होता है ना, तो बिल्कुल ये इसका सीना वाइट होता है और ब्राउन लाइनिंग ऐसे नीचे को होती है, और अब ये अडल्ट हो चुका है तो लाइनिंग भी ऐसे हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया, गहरा कलर हो गया। बाकी इसका साइज़ अच्छा है, पंजे के साइज़ भी अच्छे हैं और चोंच वगैरह उसका साइज़ छोटा है, अच्छा होता है ये, और वैसे भी इसका साइज़ भी अच्छा है शिकरे का, पूंछ वगैरह भी देख लें आप। और ये अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारा ये शहर है ना हवेली लखा, शिकार के हवाले से इसकी कोई मिसाल नहीं है, ऐसी बात। और काफ़ी मज़ा आता है, हम जब निकलते हैं तो दिल में एक ख्वाहिश होती है कि कोई ना कोई चीज़ हमें मिलेगी, और इंशाल्लाह आज हमें ये शिकरा मिला। इसे आज़ाद तो कर देंगे, लेकिन हमारी खुशी का अंदाज़ा आप लोग नहीं लगा सकते। ये मैं आपको बताया था कि शिकारी की निशानी क्या होती है, कि जब वो शिकार करता है अपने शिकरे से
कोई चीज हंट करता है, कोई मैना वगैरह या कोई वाटर एन या जो भी चीज़ हो, कोई चिड़िया वगैरह, तो उसकी अगर ज़रूरत नहीं है वो चीज़ इजाफी है, तो उसे कोशिश करता है कि मैं ज़िंदा छुड़ा के आज़ाद कर दूँ, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। ये असल शिकारी की निशानी होती है। ऐसे ही जब ये अडल्ट शिकरे हम पकड़ते हैं, अडल्ट शिकरा ट्रैप करते हैं, तो हम इन्हें आज़ाद कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे काम के नहीं होते और ब्रीडर होते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि ये ब्रीड करें और इनके जब बच्चे आएंगे, जब चूज़ बच्चे होंगे, तो वो हम ट्रैप करके उनसे हम शिकार खेलेंगे। तो अभी इधर से ही पकड़ा है, इधर ही इसका होगा घोंसला वगैरह, नेस्ट वगैरह, और इधर ही इसे आज़ाद करते हैं। आज़ाद बाबर करेगा अपने हाथों से, अपने पाक हाथों से। जब हमने ये पकड़ा है तो ये देख सकते हैं आप, इसके ब्लड वगैरह लगा हुआ है, इसने पहले भी ट्राई की है शिकार वगैरह की। तो जैसा कि हमारे उस्ताद ने हमें समझाया कि किसी भी चीज़ का नुकसान वो बर्दाश्त नहीं करते, और ना ही उन्होंने हमें सिखाया कि हम किसी चीज़ का नुकसान करें, तो ये हम आज़ाद करेंगे अभी आपके सामने अपने उस्ताद के नाम। तो आपके सामने ये आज़ाद करते हैं, ये अपने बच्चे पैदा करेगा, हमें भी दुआएं देगा, और वो बच्चे हमारे काम आएंगे, हमें भी बच्चे देगा, दुआएं। तो ये वो पंजाबी के, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, भुखे शिकारी क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें वो ट्रैप करके ना वो सेल कर देते हैं, या उन्हें सेल कर देते हैं, रख लेते हैं। हाँ, जो चीज़ काम की नहीं होती उसे भी रख लेते हैं, एम ही बस शौक के लिए, शौक के लिए। लेकिन असल शौक इसे नहीं कहते, असल शौक हम आपको दिखाते हैं, असल शौक होता है ये। ये आज़ाद कर दिया हमने अभी, तो अभी हम ये आप देख रहे हैं हमारे पास ट्रैपिंग का फुल निज़ाम है। हम अभी भाई का स्टार्ट करेंगे और जाएंगे, इंशाल्लाह हमें कुछ चूज़ शिकरा मिलेगा, और दुआ करें, आपकी दुआओं की ज़रूरत है आपके, अगर हमें कुछ चीज़ मिलेगी तो हम आप तक ज़रूर इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।